इसमें कमाल है। हेलो, जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और दोस्त, स्वागत करता हूं आपका श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। यकीन जानिए दोस्तों, जैसे सुबह के 10 बजते हैं, सक्षम गोगना पीली बंगा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत आपका सक्षम भाई। नितिन सुथार सर, शुभ सवेरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका नितिन भाई। विनोद सारण सर, गुड मॉर्निंग अमर सर। बिल्कुल विनोद सारण सर, आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। शर्मा जी, राजू गुजर जी, राम राम जी, अरे क्लियर है ना सबको। गोपाल सिंह सर, जय हिंद। गोपाल सर जुड़ते हैं बिहार से। बिजलाल शर्मा जी, एमए के नेहरू युवा केंद्र के सशक्त पिलर, गुड मॉर्निंग। राजू गुजर जी हमारे भाई हैं। कुलदीप भाटी जी हमारे छोटे भाई हैं, लगातार लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। सुशील शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सुशील सर आपका। आइए दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद चौहान सर, वेरी गुड मॉर्निंग राजेंद्र सर, स्वागत है आपका। ये परिवार जो है हमारा, एक एक्सटेंडेड परिवार, मैं शख्सियत को दोस्तों कार्यक्रम नहीं मानता हूँ। अच्छा, योगा प्रैक्टिशनर शिवान शर्मा कह रहे हैं सर, स्किलिंग यू के लिए दिल से शुक्रिया। स्किलिंग यू के दौरान थ्रू हम दोस्तों कोशिश कर रहे हैं, आपको इंग्लिश ऐप हमने एक डेवलप की है, आप जाएं तो उसको प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, स्किलिंग यू आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है ये बिल्कुल। भगवान दास गौरी जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर। बलदेव कुमार सेवता साहब, यकीन जानिए दोस्तों, आप चंद नाम तो ऐसे हो चुके हैं, तमाम नाम जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे घर मेरे परिवार के नाम है। सत्यनारायण राम साहब, स्वागत है आपका। आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं, मैं राजस्थान की उस बेटी से आपको मिलवा रहा हूं, जिस बेटी ने ना केवल संगीत की दुनिया में नाम, जब भारत की शान में वो गई, जब वो गोल्डन वॉइस में गई, टॉप फाइव में जब वो रही, तो ना उन्होंने राजस्थान का नाम केवल संगीत की दुनिया में रोशन किया, राजस्थान का सर गर्व से ऊंचा किया संगीत की दुनिया में, पर जब मैं उनके बारे में समझ रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि उन्होंने इंसानियत की दुनिया में भी राजस्थान का नाम बड़ा रोशन किया है। एक ऐसी बेटी राजस्थान की, जिनके बारे में जब आप और ज्यादा जानेंगे कि वो गाने से अलग है एक्चुअली क्या कर रही हैं, तो यकीन जानिए, राजस्थान वासी होने के नाते, हिंदुस्तान वासी होने के नाते, हम तमाम लोगों का सर गर्व से ऊंचा होगा कि हमारी बेटियां अब उन सीमाओं को तोड़कर सामाजिक कार्यों में भी आगे बढ़ रही हैं, मदद कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, सामाजिक कार्य कर रही हैं। तो ऐसी ही शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। जी हाँ, मेरी मुराद है आदरणीय भूमिका अग्रवाल जी से। भूमिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तमाम लोग जुड़ चुके हैं भूमिका मैम, और मोना कासवान जी, गुड मॉर्निंग, रोहित सिंगला जी, जय हिंद। तमाम लोग, कुमार कौविक जी बोल रहे हैं वेरी वार्म गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, अरविंद सिंह अहिवार जी, आप इस परिवार के लाइटिंग टॉर्च हैं, अरे वाह, ये तो आपका बड़ा परिचय। गोपाल सर, समीर सैनी सर, मैं आपके चैनल पे आना चाहता हूँ, आई एम सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट, क्या बात है, आप देखिए आप लोग बहुत प्रेरित है। समीर भाई, 8870456 78 मेरा नंबर है, आप जरूर कॉल कीजिएगा, हम इस विषय में बात करेंगे। आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है भूमिका मैम। मेरा आपसे पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या बचपन से ही सिंगर बनने का सोच लिया था, या मन में कुछ और था, प्लानिंग कुछ और थी, ईश्वर ने कुछ और प्लान कर लिया? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बचपन से मुझे म्यूजिक का शौक था, लेकिन मैं कभी सिंगर नहीं बनना चाहती थी, मैं शुरू से लॉयर ही बनना चाहती थी। क्योंकि उसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि जब बचपन में हम लोग कुछ मूवीज वगैरह देखते हैं, तो मूवीज देख के मन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि नहीं, अब हमें ये बनना है, अब हमें ये बनना है। तो मूवी जब देखते थे तो लॉयर ना मेरे दिमाग में थोड़ा ज्यादा सेट होता था, मुझे लगता था कि जो दुनिया में इतना गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं लड़ूं, तो शुरू से चाहती थी कि मैं लॉयर बनूं। लेकिन मेरे जो पापा थे वो चाहते थे कि मैं म्यूजिक फील्ड में आऊं। माय फादर प्रिंसिपल है, एक्चुअली हमारा जो पूरा घर का माहौल है वो पूरा एजुकेशन का है, सब प्रिंसिपल, टीचर, लेक्चरर, ये सभी हैं। तो उनको लगा कि मैं डॉक्टर या समथिंग ऐसा कुछ बनूंगी, लेकिन पापा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं म्यूजिक में आऊं। तो उन्होंने म्यूजिक ज्वाइन भी कराया मुझे, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा यही रहता कि मुझे म्यूजिक में आना। लेकिन एक बार फर्स्ट ईयर कॉलेज में ऐसा हुआ कि जब मैंने अपना परफॉर्म किया, तो कॉलेज में मैंने बिल्कुल कैजुअली एक फ्रेशर्स डे वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, तो मैंने कैजुअली वहाँ पे एक सॉन्ग गाया। तो लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। तो मुझे फिर बाद में लगा कि
शायद लोगों को ये चीजें अच्छी लग रही हैं, कुछ समझ आ रहा है तो मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया, मैंने सीखना शुरू किया, और सीखते सीखते वो कब लॉयर डाउन होता चला गया और जो मेरी सिंगिंग थी वो परवान चढ़ती रही। ऐसा नहीं है कि लॉयर नहीं बनी तो, लेकिन मैं अपने घर में बहुत वकालत करती हूँ तो वो भी नहीं छोड़ी है और सिंगिंग भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जब संगीत वाली लाइन में आई तब पता चला कि तब तक ये पता था कि संगीत एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि संगीत तो एक प्रकार की भक्ति है जो सीधे हमें भगवान के साथ कनेक्ट करती है। तो मुझे बहुत थैंक यू, मैं मेरे फादर के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, कि उन्होंने मुझे संगीत की तरफ, तो मैं आज भगवान के करीब हूँ। दैट्स क्या क्या बात है। मेरी तमाम सुनने वालों से एक दरख्वास्त भी है, आज स्पेशली नेटवर्क का बहुत इशू है, कल बहुत आंधी तूफान रहा है, नेटवर्क बड़ा मुश्किल से चल पा रहा है। मैं अलग अलग फोन से व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी मेरी नेटवर्क में मेरी तरफ से कोई दिक्कत आती है, मेरी आवाज नहीं आती है, मैं स्क्रीन पर नहीं आता हूँ, तो मैं तमाम सुनने वालों से एक दरख्वास्त करता हूँ, वो मैम से आप लोग सवाल पूछ लीजिएगा। आज मेरी भूमिका में भी आप लोगों को आना है और आपको दिखाना है कि हम सब अमर चौधरी हैं, हम सब मोटिवेटर हैं, हम सब एंकर हैं, हम सब होस्ट हो सकते हैं। देखिए, हमारे घर कोई मेहमान आए और हम जो सुनने वाले लोग हैं, मैं तो आपके परिवार का हिस्सा हूं, देखिए मैं तो सुनता हूँ, बोलने वाली तो मैम है, तो मैं सुनने वाले परिवार का हिस्सा हूँ। तो भाई, घर का एक व्यक्ति अगर कहीं नहीं है तो क्या बाकी के लोग मेहमान का ख्याल नहीं रखेंगे? तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग सवाल पूछिएगा और मैम बाकायदा आप लोगों के सवालों का जवाब देते रहेंगे। पहले तो मैं ऐसे पापा जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमने तो ये सुना है कि बच्चा म्यूजिशियन बनना चाह रहा है, सिंगर बनना चाह रहा है, पापा जी कह रहे नहीं तुझे वकील बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। तो ये ऐसे पापा जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ जो कह रहे नहीं नहीं तू तो म्यूजिक में जा, तो सिंगर बन। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर की सोच को, सर को नमन करता हूँ। तो फिर मैम, टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया? देखिए, एक बात तो बताइए, अगर मेरे पापा जी मुझसे बोल दें तू म्यूजिशियन बन जा, तो क्या संगीत ऐसी चीज है कि पापा जी बोले और मैं बन जाऊं? भाई उसके जो या तो वो टैलेंट मेरे अंदर हो या उस तरह के गुण मेरे अंदर हो, तभी तो मैं उन्हें विकसित कर पाऊंगा। देखिए, रॉ मटेरियल को तो कर सकते हैं, तो क्या रॉ मटेरियल पहले से ही आपके अंदर था, वो तो संगीत वाला गुण, वो गाने वाले गुण, वो आपके अंदर पहले ही थे, फिर आपने उन्हें पॉलिश कर लिया? जी, जो कहा जाता है कि जो संगीत का गुण या जो भी आर्ट होती है वो बाय बर्थ ही होती है, तो मेरे फादर को शौक था, वो शौकिया गाते भी थे। माय फादर इज एंकर, वो एंकरिंग भी करते हैं, तो वो म्यूजिक लाइफ उनकी पूरी रही है, उन्होंने तबला भी सीखा है, तो शायद वही बाय बर्थ ना मेरे अंदर आया और मेरा वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो जब मैं 3 साल की थी तब सबसे पहले मैंने अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया था एज ए डांस। आई एम एम ए इन कथक, आई एम PhD इन वोकल म्यूजिक, तो मैंने कथक में भी MA किया। तो 3 साल की उम्र में मैंने डांस अपनी परफॉर्म दी थी, पहली परफॉर्मेंस जब मैं 3 साल की थी, वो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे पापा का इंटरेस्ट था, मुझे नहीं पता है कि मैं डांस कर रही हूँ क्या। तो एक्चुअली पापा का इंटरेस्ट, मम्मी का इंटरेस्ट, फैमिली में भी काफी इंटरेस्ट है, सब एजुकेशन में है, लेकिन इंटरेस्ट उन लोगों को बहुत है, तो वो लोग बहुत खुश थे। अभी वही बात, आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि बाय बर्थ होता है या डाला जाता है मेटेरियल, नहीं देखिए ऐसा है कि जो म्यूजिक है ना, ये तो गुणों का काम है, ये अंदर, ये बाय बर्थ गॉड ने गिफ्ट दिया होता है, ये आर्ट है कि जिसको दी जाती है ना, तो जी उसको हम पॉलिश करके फिर कर सकते हैं। क्या ये तो बात हो गई आर्ट की, लेकिन संगीत की बात करें ना सर, मेरा ऐसा मानना है कि संगीत किसी संगीतकारों के लिए ही नहीं है, ये तो सबके लिए है, क्योंकि मैंने एक बार किसी को ये बात बताई भी थी कि संगीत और ईश्वर दोनों एक है। सबने सिर्फ ईश्वर को महसूस किया होगा, ईश्वर को देखा नहीं होगा, ऐसे संगीत में स्वर होते हैं सारे गामा पधनी, तो ता से रे की दूरी, रे से ग की, कि हम इसको कैसे बताएंगे, इसका कोई पैरामीटर या पैरामीटर नहीं है कि हम इसको बताएंगे कि साथ से देखेंगे। तो जैसे हमें भगवान दिखाई नहीं देता, हम महसूस करते हैं, ऐसे संगीत भी हमें, संगीत के जो स्वर हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, हम उसे महसूस करते हैं। तो मैंने किसका एक संधि विच्छेद भी किया था, ईश्वर, ईश प्लस स्वर, जब दोनों मिल जाते हैं तो स्वर होता है। तो आप देख लीजिएगा, 100% आप इस चीज को देखिएगा कि जब आप संगीत में होंगे, आप गाना सुन रहे होंगे, आप गाना गा रहे होंगे, तो आपका अटेंशन होगा चाहे आप कितनी भीड़ में हो। ध्यान का मतलब अकेला रहना नहीं होता, ध्यान का मतलब होता है जो काम कर रहे हैं उसमें आप अटेंशन है। जस्ट लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, यदि मेरा ध्यान आप पे बिल्कुल है तो मैं अटेंशन हूँ। तो संगीत एक अटेंशन देता है, ध्यान देता है, तक पहुंचाता है। अब बस यही है कि हम किस तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन शब्द एक बार कैसे भी हो, लेकिन जो शब्दों के अंदर जो स्वर होता है ना, वो बहुत ही
आपको भगवान की तरफ जोड़ता है। वही लगता है कि मुझे कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। कोई नहीं, अब जब यदि मैं मैंने भगवान की बात की ही है तो मैं कोशिश करूंगी कि बातें तो मैं कर ही रही हूं, लेकिन कोशिश है कि मैं आज आपको एक एक भजन, चूंकि मैंने भगवान के संगीत को भगवान से जोड़ा है, इसलिए आज के लॉकडाउन के माहौल को देखते हुए भी और भगवान का ध्यान रखते हुए भी, आज सबसे पहले मैं आपको एक भजन सुना रही हूँ जो मेरे गुरुजी ने लिखा है। बहुत ही प्यारी कंपोजिशन भी बनाई है। तो सर, मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको जरूर अपना एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के वाह काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द को अपनाए इंसान कहते, किसी के काम अभी धन्यवाद इतना अभी इंसान है धन, कभी धन्यवाद इतना कभी इंसान है, कभी दुख है कभी सुख है, किसी का नाम है जीवन, जो मुश्किल वही वही इंसान कहते हैं, कहते जो अपनाए इंसान कहते हैं, किसी के पास क्या बात कही मैम, मतलब कमाल, आपने तो जीवन की सीख दे दी हमें। मैं एक सवाल यहीं से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, कि आपने कहा पापा जी का इंटरेस्ट था, मम्मी का इंटरेस्ट था, भैया का इंटरेस्ट था, तो इसका मतलब आपकी फैमिली बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट बहुत है आपकी फैमिली में, फैमिली बड़ी इंटरेस्टिंग है आपका। और मुझे बड़ा सबक ये मिला, आपने जो ईश्वर का संधि विच्छेद किया, यकीन जानिए मेरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। ईश मतलब पवित्र, और स्वर मतलब जब आपके बोल पवित्र हो जाए, आपकी बोलचाल अच्छी हो जाए, तो आप समझ ले ईश्वर को मतलब ईश्वर आपको मिल गए। क्या बड़ी सबक है। और ये जो आपने कहा है, तुम बुरे वक्त में जो ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, बताइए इससे बड़ा क्या सबक हो सकता है। मैं अगले साल पे आऊं मैम, उससे पहले मैं तमाम जो जुड़े हैं, आज मेरी आवाज में गड़बड़ है, तो जो जुड़े हैं उनका नाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अपने सुनने वालों से भी एक बात कहना चाह रहा हूँ, दोस्तों नेटवर्क के इशू हैं, पर एक बात याद रखना, आपने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है, पुराने कार्यक्रम देखे हैं, जब जब तपस्या होती है, जब जब अच्छा काम होता है, तब तब व्यवधान डाले जाते हैं। आपने आज तक बिल्कुल देखा पूरे काम में व्यवधान किसी को डालते हुए? तो अगर व्यवधान डल रहा है तो समझ लेना तपस्या चल रही है, हवन चल रहा है। और व्यवधानों में आपने अभी बात कही, जो व्यवधानों से ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, तो समझ लेना व्यवधानों से घबराना नहीं है। आप सवाल पूछते रहिएगा मेरी आवाज गायब हो जाए तो। और चंद्रशेखर जी, चंद्र जी रक्षक साहब कह रहे हैं हेलो। दिनेश जुनेजा सर जो हमारे चेयरमैन साहब हैं एसकेडी के, भूमिका मैम आपका स्वागत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वेलकम भूमिका जी। अमरजीत सिंह जी, गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र शर्मा जी, ब्रजमोहन लाल जी, तमाम लोग, डॉक्टर राम सियाग जो शख्सियत का हिस्सा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं स्वागत है आपका। बिश्नोई रॉकी जी, गुड मॉर्निंग। मैं तमाम नाम इसलिए भी पढ़ना चाह रहा हूँ कि ये हमारा परिवार है मैम, ये मतलब एक फैमिली है, इसको आप जयराम जी गुड मॉर्निंग, पलक माहेश्वरी जी गुड मॉर्निंग, भगवान दास जी। मैं गोपाल सिंह जी कह रहे हैं बिहार से कि पूर्णतया सहमत हूं, संगीत ईश्वरीय सामिप्य का एहसास होता है, क्या बात है। वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर सब मिल जुड़ गए हमारे साथ टीवी पे, वो कह रहे हैं मैम बहुत बहुत बढ़िया, जय हिंद अमर सर, जय हिंद डॉक्टर भूमिका, डॉक्टर भूमिका। ये एक बात बताइए भूमिका मैम,
आपको बोलते हुए 10 मिनट हुए, ये लोगों को ये वाली फीलिंग क्यों आ रही है कि आप डॉक्टर हैं, आप कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, आप कोई बदलाव ला सकती हैं? इसके पीछे भी कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि आपका जो ऑरा है ना लिटरली, वो सिंगर वाला ऑरा तो नहीं है, आपका ऑरा एक अध्यात्म वाला है, स्पिरिचुअलिटी वाला है, संदेश वाला है। जी देखिए, वो मैंने आपको बताया ना ईश्वर, वो इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो स्वर्ग से जाते जाते मैं शायद भगवान के पास पहुंच गई। कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था मैंने, ऐसे ही मैंने नहीं, कहते हैं ना कि बहुत सारी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि मोबाइल, कोई भी चीज दुनिया में बनी है वो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, आप उसको कैसे यूज करते हैं। कुछ नहीं हुआ, 2014 में एक लाइफ में मेरे एक टाइम आया, मैं अपना मोबाइल चेक कर रही थी और मोबाइल को यूट्यूब पे स्लाइड कर रही थी, स्लाइड करते करते ऐसे भागवत गीता का कुछ आया तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, मैंने उसको ऑन किया। ऑन करने के बाद मैंने देखा कि ये कुछ मतलब मुझे वो जो सारी बातें थी वो मुझे अच्छी लगती जा रही थी, और ये हुआ देखते देखते मैंने भगवत गीता को इतना पढ़ा कि मैं रोज उसको 8-8 घंटे रूम बंद करके उसको मैं सुनती रही, ये कह क्या रहे, क्या है भगवत गीता, क्यों इतना का प्रचार होता है, क्यों ऐसा कहना चाहते हैं। तो पूरा ही मैं कोशिश करती थी कि ये सब क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैं भगवत गीता के पास जाती रही, मैं भगवान की और करीब जाती रही। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, ये हम जो सोचते हैं ना कि भगवत गीता या कथा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बात करती हूँ तो ऐसे लगता है कथा करती हूँ, मैं वो इसलिए बोलूंगी, दुनिया में मुझे लगता है कि दुनिया में हर कोई कथा को इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी, राइट, और पूरी दुनिया ना कुछ स्टोरी कह ही रही है, कोई किसी की स्टोरी कह रहा है, जैसे आप मेरी स्टोरी अभी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सब कथा कर रहे हैं, अब वो किसी ना किसी की स्टोरी हो जाए, अब वो ठीक है कि मैं कथा कर रही हूँ, मतलब मैं भगवान की स्टोरी बोल रही हूँ, तो उसमें कथा वथा का कुछ इश्यू नहीं है। देखिए स्टोरी वाकई में ऐसी सुननी चाहिए, बतानी चाहिए, जिससे लोग इंस्पायर हो और आपकी लाइफ में भी बदलाव आए, फालतू स्टोरी सुनने का कोई मतलब नहीं। मैं नहीं कह रही कि मेरी स्टोरी बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की है, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी, स्पेशली संगीतकार हो या कोई भी आर्ट से जुड़ा, या दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं ये बताना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपनी लाइफ में किसी एक चीज से ना बंधे रहें, आपको चाहे किसी भी फील्ड में जाना है उसको बिल्कुल रखिए, आप वो उसको भी करते रहिए, लेकिन अपना जो मकसद है ना वो जरूरी बनाइए, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट तो बन जाएंगे लेकिन इंसान नहीं बने तो कोई मतलब नहीं, और इंसान बने रहेंगे आर्टिस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में अभी अभी देखिए अभी क्या माहौल है, ऐसा माहौल चल रहा है अभी, सबकी कलाकारी और सब खत्म है, अभी सिर्फ इंसान काम आ रहा है, तो जो आर्टिस्ट भी है उनको भी इंसान करना पड़ रहा है। क्या बात कही आपने, लगता है कि ये चीज तो मेरी लाइफ में वो चीज आई, तो फिर ऐसे ही मैं रोड पे जा रही थी, रोड पे जाते जाते मैंने भगवत गीता से एक शब्द लिया था, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय आदि बातों को ध्यान में न रखते हुए, सिर्फ मन में करुणा का भाव लिए हुए धर्म के मार्ग पे चल के कर्म करना, मतलब आप कोई कर्म कर रहे हैं उसके पीछे कोई आपकी नियत एकदम साफ होनी चाहिए, आपका कोई फायदा नहीं होना चाहिए, आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बस आपको करना है आप, क्योंकि मेरा ऐसा मानना जो भाग्य है ना वो कर्म का दर्पण है। अच्छा, इसके कहीं ये है मेरा भाग्य, वो है आपका जो भाग्य वो आपके कर्म का ही दर्पण है। तो जब मैं ऐसे रोड पे जा रही थी, वो छोटे बच्चों को देखा, मैं एक बच्चे के साथ बहुत लंबा दूर तक निकल गई पैदल ही, बहुत थोड़ी दूर में, और फिर देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं वो मतलब गंदे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता तो है कि नहाना चाहिए, लेकिन अभी उनको बहुत रोज कौन गाइड करे, जैसे होता है ना हमारे घर में भी, हमें मम्मी जब बचपन में होती थी तो डांट के ही हमें निलाती थी, नहीं नहाए तो नहीं नहाए, तो ऐसे उन बच्चों को मैंने प्रेरित किया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, स्थित प्रज्ञ मैंने अपनी संस्था का नाम रखा है, स्थित प्रज्ञ कोशिश सही राह दिखाने की, तो मैं जो रोड के जो बच्चे हैं उन्हें हर संडे सुलभ कॉम्प्लेक्स लेके जाती हूँ और वहां पे नहलाती हूँ, लाने के बाद उनको एकदम साफ कपड़े देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि उनको कुछ अब लिखने का, देखो इतना तो ये भी बात सही है कि मेरे पास वाकई इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको कुछ लिखना दिखा दूँ, लेकिन मैंने कोशिश करी उनके साथ कि मैं उनको नाम लिखना सिखा दूँ, तो वो नाम क्या लिख रहे हैं उनको नहीं पता, लेकिन वो ड्राइंग बनाते बनाते उनको कब नाम लिखना आ गया, तो वो मुझे अच्छा लगा कि उनको नाम लिखना आ गया। तो ऐसे करके मैंने 100-150 बच्चे इकट्ठे किए और उनको थोड़ा बताया कि हो सकता है कि तुम जैसे बच्चों को मंदिर में ना जाने दिया जाए, पर हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हुई ना कि सब कुछ हमारे को भगवान ने एकदम सब कुछ इतना इजी दे रखा है, लेकिन हम इतना मुश्किल कर देते हैं, अभी भी लोगों को लग रहा है कि मंदिर बंद है,
मैं कह रही हूँ कि साक्षात सूर्य भगवान हमारे सामने है, हमें उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। चंद्रमा हमारे साक्षात भगवान मंदिर का गेट बन जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं कितनी पापा तो ऐसे मैंने बच्चों को प्रेरित किया कि वो तो सूर्य के जल चढ़ाए। अब कितने बच्चे चढ़ाते नहीं चढ़ाते, बट मैं कोशिश करती हूँ संडे के संडे उनको ये सब। फिर भोजन सर, हो सकता है अभी भोजन को लेके मेरी बात थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं ये बात सबको बताना चाह रही हूँ। मेरा जी बिल्कुल बताइए मैम। सर भोजन मेरा ऐसा मानना है, या मैंने कहा कि यदि भागवत गीता को समझना हो ना तो बहुत बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। मैंने उस गीता के सार को एक ही शब्द में, भगवत गीता को भी एक शब्द में मैं बताना चाहूंगा, एक शब्द में जी क्या, नियति नियतम, नियति यानी नियतम, क्या बात है। आपकी जैसी नियत होगी ना वो आपकी नियति बन जाएगी, बहुत क्या है। बात है। अब आपकी नियत कैसे बनेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने भोजन पे ध्यान देना, सिर्फ भोजन पे, क्योंकि जैसा होता है अन्न वैसा होगा मन, इसको मान लो। ये कोई सत्ता नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आप जैसा मन में उतारे वैसा ही आप प्रदर्शित करेंगे, अपने अन्न पे, अपने भोजन, उचित आहार विहार। अब हो सकता है आपने भोजन तो कर लिया लेकिन विहार आपको रहना नहीं आता, आपको बैठना कैसे है, लेटना कैसे है, चलना कैसे है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसी से फिर आपका क्या होगा, फिर दूसरा है संगत, आपकी जैसी संगत होगी आपकी वैसी रंगत बनेगी। फिर इन भोजन और संगत, इन दो चीजों से आपकी नियत तय होती है, और वो नियत आपकी नियति बन जाती है। और जैसे ही आपकी नियति बनती है आप कर्म वैसा करते हैं, इसलिए कर्म का दर्पण जो है वो कर्म का दर्पण है। और बस ये कहना चाहूंगी कि अब और मत ज्यादा ध्यान दो, सिर्फ अपने भोजन पे ध्यान दो। भोजन बिल्कुल शांति से करना है, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम। क्या बात है, क्या बात है मैम, यकीन जानिए आप, हम तो सोच रहे थे हमारी मुलाकात एक सिंगर से है, पर मुझे पता चला कि वास्तव में हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो शायद हमारी जिंदगी की दिशा बदल दे, दशा बदल दे, मोड़ दे दे हमारी जिंदगी को। मैम मैं अगले सवाल पे आऊँ, उससे पहले मैं तमाम लोग, जयराम जी मैं बिल्कुल एक बात कह दूं आपसे, बिल्कुल 8871045678 मेरा नंबर है जयराम जी, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं बिल्कुल बात करूंगा। मनीष वत्स साहब लिख रहे हैं, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। भगवान दोरी जी, नरेश जी क्या बात है, बहुत खूब, आपकी आवाज में जादू है। भगवान दास महाजनी जी कह रहे हैं, भगवान दास गौरी जी वेलकम मैम। दरअसल मैं लेट हो रहा हूँ पढ़ने में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं, गाने का तो है ही है लेकिन आपकी बातें बहुत प्रभावशाली हैं। नरेश मिड्ढा जी कह रहे हैं, गौरी जी नमस्कार, मैडम के साथ हम भी ऑनलाइन हो जाते हैं, क्या बात है। लोग तमाम लोग, सरिता भाटी चौहान जी गुड मॉर्निंग जी, वेद प्रकाश थालोर जी, भगवान दास गौरी जी, जयराम जी, नाइस मैडम जी। मेरा एक सवाल है, 2014 में भूमिका ने गीता पढ़ी, राइट। अब मेरा सवाल है, तो भूमिका के जीवन में गीता की क्या भूमिका है? अब मैंने बताया ना कि मेरे जीवन में गीता की ये भूमिका है कि मुझे अपने... और आपसे अलग हमारे जीवन में भी बताइएगा कि हमारे जीवन में गीता की क्या भूमिका हो सकती है, हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं उससे। सर देखिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, भगवान ने सब बहुत ईजी कर रखा है। कुछ नहीं कह रहे कि व्रत करो और पूजा करो पाठ करो, बहुत ईजी है। आप जो भी कर्म करें, क्योंकि देखिए सर, हम जो सोचते हैं ना कि अभी हमें सुख मिला है अभी हमें दुख मिला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुख दुख मन की स्थिति का नाम है। ऐसा क्यों होता है आप मुझे बताइए कि जिस बात से आपको दुख मिल रहा है उस बात से मुझे सुख मिल रहा है, वाय? तो इट मीन्स वो दुख सुख नहीं है, वो आपकी मन की स्थिति का नाम है। दुख सुख तो जब है कि जैसे आज पूरे देश में जो माहौल है, कितने मजदूर लोग हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो गरीब लोग हैं उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, ये सुख दुख है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल जो हमें प्रॉब्लम्स होती है ना उनको सुख दुख मान लेते हैं। यदि हम अपनी मन की स्थिति को बदल देना तो फिर मुझे लगता है कि सब कुछ इजी हो जाता है। तो यदि आप चाह रहे हैं कि मैं भूमिका गीता की क्या भूमिका, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी वही जो मैंने बोला, नियति नियतम, अपनी नियत को एकदम क्लियर रखें, स्वार्थ ना देखें, सिर्फ ये देखें कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो गलत तो नहीं है, या मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, ऐसा नहीं होना। क्या बात है भूमिका मैम, एक तो बहुत बढ़िया आपने बात कही है, मैं भी ये मानता हूँ समस्याओं को लेकर, मुश्किलों को लेकर, मुझे ऐसा लगता है मैम ये बहादुरी का दौर है, और बहादुर होने के लिए विजेता होना जरूरी है। भाई आपने आज तक सुना है कि राजा था कभी लड़ा नहीं, बहादुर था, भाई बहादुर था तो लड़ा होगा, तो बहादुर होने के लिए विजेता होना जरूरी है, विजेता होने के लिए युद्ध होना जरूरी है, युद्ध होने के लिए दुश्मन होना जरूरी है। तो पहले हम परिस्थितियों को या किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाते हैं,
फिर उससे युद्ध लड़ते हैं, फिर जीतते हैं और फिर कहते हैं देखो हम कितने बहादुर हैं। हम आम बातों को पहले मुश्किल बना के पेश करते हैं कि देखो इतनी मुश्किल है मेरी जिंदगी में, और फिर उससे लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि लोग हमें क्या समझे, बहादुर। आप बड़ी बात करें, मुझे तो तमाम लोग सुन रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम मुश्किलों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो वंस अपॉन अ टाइम में अजय देवगन साहब ने अमरूद के साथ किया था, जो वो कंगना रनौत के लिए लेके जा रहे थे। वो 10 पैसे के अमरूद को बोलते हैं कि सोच पूरे मोहल्ले में एक ही अमरूद है, अब कितने का है तो बोलता है 20 पैसे का, फिर कहते हैं शहर में एक ही अमरूद है तो 1 रुपए का। तो पहले हम मुश्किलों का बड़ा बनाते हैं, फिर उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं और फिर कहते हैं हम बहादुर हैं। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, समस्याएं इतनी बड़ी है नहीं जितनी हमने बड़ा बना दी। बिल्कुल, बीच में एक बात कहना भी कि वो है ना, खुश नसीब वो नहीं होता जो नसीब वाला होता है। खुश नसीब नहीं होता जो नसीब वाला होता है, खुश नसीब वो होता है जो अपने नसीब से खुश होता है। ओहो, हमें ओहो, ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मैं अभी तो अभी लॉकडाउन में पिछले 7-8 दिन से मेरी एक बेटी एक बेटा है, बस उनसे मैं एक ही काम करवा रहा हूँ डेली कि भगवान के सामने आपने सिर्फ एक लाइन बोलनी है कि भगवान आपने जो दिया उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। मुझे भी ऐसा लगता है जो मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात। भगवान दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहा है भगवान दास। गौरी जी, पारिक जी, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। कुलवंत सिंह खालसा जी, सुंदर विचार। बाबूलाल शर्मा सर बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग अमर सरन मैम। नितिन सुथार हमारे बहुत अजीज भाई हैं, संगीत की दुनिया में हमें किस तरीके से कहां से सीखना शुरू करना चाहिए, अगर गायकी हमारा पैशन हो, शौक हो, इस पे तो मैं एक सवाल भी पूछूंगा आपसे। डॉक्टर भूमिका, वेरी नाइस भजन, क्या बात है। आदरणीय विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं वो ऑनलाइन इस समय शख्सियत का हिस्सा रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं बहुत बढ़िया। और विनीता सुखीजा जी हमारे साथ, मोना कासवान मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नितिन सुथार साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप थोड़ा उन्हें गाइड कर दीजिए। रियलिटी शोज में जाते समय क्या रूपरेखा होती है, वहां किस प्रकार का एनवायरमेंट होता है, उसके बारे में भी हमें बताएं मैम। नितिन सुथार जी सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मंच संचालन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप कुछ गाइड कर सकते हैं इस विषय में? सर मैं बिल्कुल बोलूंगी। देखिए, जो बोला है कि रियलिटी शो में जाते समय क्या रूपरेखा होती है, क्या एनवायरमेंट होता है, मुझे लगता है कि सामने वाले का एनवायरमेंट और रूपरेखा, एनवायरमेंट और रूपरेखा देखने से पहले हमें अपने मन का एनवायरमेंट और रूपरेखा बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सब चमक धमक के पीछे बहुत चीजें वो करते हैं। हमें सिंगर, हम मुझे नहीं आता कि बॉम्बे सिंगर बनने कैसे जा सकते हैं। सिंगर तो वहां, जब आप सिंगर होते हैं, सर मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि वो सिंगर जो है बॉम्बे में तो सिंगर होते हैं ना, तो जाना चाहिए। अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ बनने के लिए जाते हैं, बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले ये चेक करो कि ठीक है आपने सिंगिंग लाइन को चुना है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। पहले तो ये पता करो कि आप सिंगिंग सीख क्यों रहे हैं। अब आपने, ठीक है, हो सकता है कि बिल्कुल आज का माहौल है, हमें आज के दौर के साथ बिल्कुल चलना चाहिए, आप रियलिटी शो में जाते हैं, बहुत अच्छी। वहां की रूपरेखा जानने से पहले हमें अपनी रूपरेखा जान लेनी है कि जो हम गाना गाते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, तो सीखते वक्त हमारा उनके प्रति कितना, अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण है। क्योंकि यदि हम सीखते सीखते ही अपने गुरुओं को बदलते रहते हैं, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि लोग अपने गुरुओं को बदलते रहते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आप पहले ही अपने आप को चूज कर लो कि मुझे किस गुरु से सीखना है। ऐसे गुरु बदलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि होगा तो आपके करने से। तो देखिए, सिंगिंग करनी है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्वर। वो स्वर परफेक्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रिदम। वो जिन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन किया वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं वहां की रूपरेखा की। देखिए, दिस इज अ रियलिटी शो। अब आप पहले इसके टुकड़े करिए, दिस इज अ रियलिटी एंड शो, वहां पे कुछ रियलिटी है और वहां पे क्लियर। अब रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, आपकी सिंगिंग जो आप गा रहे हैं। दूसरा, अब ये शो है, अब देखिए आपके कुछ स्टोरी तो देखिए होनी चाहिए, और यदि आपकी सिंगिंग अच्छी है और स्टोरी नहीं है तो आपकी स्टोरी बना दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी सिंगिंग को अच्छी है, देखिए कोई भी चीजें है ना गड़बड़ नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं कोई चीज, मैंने आपको पहले भी बोली थी कि अच्छा बुरा हर जगह होता है, आपके एक्सेप्ट करते हो या आपके ऊपर। यदि आप वहाँ की रूपरेखा जानना चाहते हो तो जो सिंगिंग होती है ना वो रियलिटी होती है, उसके बाद सब शो होता है। अब आप बताइए कि जब तक किसी चीज की नहीं होगी, क्योंकि वो एक बिजनेस है ना, वो एक शो है, तो
प्यार को पढ़ा। हो सकता है कि मैंने वहाँ पे जब मैं रियलिटी शो गई थी तो हमें वहाँ बताया था कि जैसे अब जैसे देखिए आपने आज मुझे लाइव देख रहे हैं तो मेरे आने पे कितने लोग आए, यदि जी लगा कि मेरे आने पे ज्यादा लोग आए तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप मेरा शो भी रख लेंगे कि जब भूमिका जी आती हैं तो इतने लोग सुनते हैं। ऐसा ही रियलिटी शो में होता है, 9 बजे को शो स्टार्ट हो रहा है, उस समय अच्छा किस एरिया कितने टीवी ऑन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग टीआरपी वो लोग सेट कर लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि, और मैं जी आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि जब आप गा रहे होते हैं ना रियलिटी शो में, आपको लगता है सुनने के बाद आपने बहुत अच्छा गाया, यदि आपको यदि किसी इंसान को टॉप पे भेजना है तो वो एक मशीन उसके स्वरों को ठीक भी कर लेते, और आपको यदि उसको लगता है कि नहीं अब इनकी टीआरपी डाउन है तो आपके आपके गाने को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें जीतना है या हारना है या हमें नाम कमाना है। मैं बिल्कुल रियलिटी शो में जाने के लिए जरूर कहूंगी, वो इसलिए एक तरफ बोलूंगी तो नहीं कहूंगी, लेकिन यदि फिर भी जाना है तो मैं बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल पक्का बोलूंगी कि आप जरूर जाइए, क्योंकि देखिए आपको वहां से सीखने को बहुत मिलता है, प्लस आपको अपनी असलियत पता चलती है। क्योंकि क्या होता है घर में तो सब बहादुर होते हैं, जब सबके सामने आप जब साथ होते हैं ना तो फिर पता चलता है कि हम एक्चुअल में हैं क्या, और हमें बहुत सीखने को मिलता है। जब मैं वहां थी तब भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक एक शब्द, जब आप पूरा एक स्टार्टिंग आप कर रहे हैं गाने की तो आपका जो पहला नोट है पहला स्वर है वो एकदम करेक्ट लगना चाहिए, और जैसे आपने किसी लाइन के जो लास्ट अक्षर को छोड़ा है उसका जो स्वर है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो वहां की जो रूपरेखा है देखिए वही है, यदि आपको रियलिटी शो में जाने का चांस मिलता है तो आप जरूर देखिए, लेकिन उसके पीछे पागल होने की जरूरत नहीं, आपको संगीत के पीछे पागल होना है, रियलिटी शो के पीछे नहीं होना है। यदि आप में कोई बात होगी तो आप यदि एक या दो एपिसोड तक भी दिखे और आप में कुछ बात दिखी तो आपको काम बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है भगवान कभी कुछ गलत करता ही नहीं है, वो सब हमारे कर्मों का फल होता है, हमने जितनी मेहनत की है। मैंने ये भी देखा है कि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर है जिनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उनकी कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज रही होगी कि वो उनको ये यश की प्राप्ति नहीं हो, लेकिन वो सिंगिंग अच्छी नहीं करते ऐसा नहीं है, सिंगिंग तो अच्छी करते हैं लेकिन उन्हें वो मुकाम नहीं जी मिला, कहीं कुछ रह गया होगा। दैट्स बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या बनना है, बनने के लिए क्यों करते, मेरा करने के लिए करो, अपना गाते रहो अपना स्वर ठीक करते रहो तो बहुत अच्छा होता रहेगा। क्या बात कही है मैम। तमाम लोग लिख रहे हैं, गोदारा सोनी का बोल रही है स्वागत है मैम, ऋषि अरोड़ा जी गुड, ज्योति इंसान की नाइस, योगेश मीना साहब ने लिखा है कि आज ऐसे ही संदेश की जरूरत है, थैंक्स। गोपाल सिंह जी लिख रहे हैं एक सफल व्यक्ति हमेशा प्रेरक भी होते हैं। रहमत पुनिया जी गुड मॉर्निंग, अनुकर्मा जी गुड मॉर्निंग मैम, संदीप मूड जी गुड मॉर्निंग, तमाम लोग जुड़ रहे हैं मैम। गोपाल सिंह जी कह रहे हैं सहमत मैम, कुलदीप बिश्नोई जी, ज्योति निशान जी एग्री, लखवीर मुहार साहब गुड मॉर्निंग सर, आज लेट हो गए सर, स्वागत है आपका। मैं तमाम लोगों से इतना, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह संभव है। राजेंद्र त्रिपाठी सर क्या बात कही आपने, मनीष कुमार जी मैडम प्लेटफॉर्म तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए, मैं सहमत हूँ, मैं भी इस विषय पे आने वाला हूँ, अगला सवाल मेरा यही होगा मनीष सर। पर मेरा एक पॉइंट है मैम, कोई आपका पसंदीदा भजन या कोई गाना हो जाए जो आपको फेवरेट हो, गाना हो भाई, आपने अगले जन्मों में बिटियाना की जो करके जो गाया भारत की शान में, आप उसको गाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि, या फिर आपका कोई पसंदीदा गाना। हाँ जी ठीक है, मैं दूसरे गाती हूँ। जब आएगी मुझे तुम याद आए, जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया, हो
जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। थैंक यू। अदर वर्ल्ड, आप दूसरी दुनिया में हैं, कहीं आपका कनेक्ट फील ऐसा कुछ होता है क्या सच में? बिल्कुल सर, मेरा तो होता है। मेरा तो लिरिक्स की तरह, लिरिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन मेरा स्वर पे इतना ध्यान होता है कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं भले मैं कोई गाना गा रही हूँ, लोग मुझे फरमाइश कर रहे हैं उस गाने की, बट मेरे कनेक्टिविटी है पता नहीं कुछ तो, मैं एकदम नहीं कह सकती कि भगवान की तरफ से मैं जा रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ होता है कि मेरा ध्यान कहीं और नहीं रहता, कुछ कौन की तरफ से रहता है, तो मुझे लगता है ध्यान ही भक्ति है। क्या बात है, आपकी बात से मुझे एक बात तो समझ में आई मैम, कि गले से आदमी सिंगर तो बन सकता है पर भले से वो कलाकार बनेगा। गला सिंगर बनने के लिए चाहिए और भला चाहिए जीवन में इंसान बनने के लिए, कि दूसरे का भला करे, अच्छा ही करे, भला बना रहे। और जब आप गला भी और भला भी हो आपके साथ, तो फिर आपका कनेक्ट बनता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट है ये, तो इसलिए बोला ना स्वर ईश्वर की ओर। जी बिल्कुल, आप सही, देखिए बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं, अगर आपके पास स्वर है ना तो आप गाना तो गा सकते हैं, भजन नहीं गा सकते। भजन गाने के लिए तो आपके पास वो भजन वाली आत्मा, भजन वाली सोच होनी चाहिए। ये आप बड़ी बात कह रहे बिल्कुल हैं, तब कनेक्ट फील। तमाम लोग जुड़ रहे हैं, राम बैसो या चाचा जी हमारे बोल रहे हैं बहुत अच्छा स्वर है जी, भगवान आपको खुश रखे। रमेश सिंपा जी गुड मॉर्निंग मैम एंड सर, विनीता सुखीजा जी ग्रेट सिंगिंग, दीपक कुमार जी एक्सीलेंट मैम, कुमार कोविंद गोल्डन वॉइस, भगवान दास गौरी साहब तो कह रहे हैं मेरा फेवरेट गाना है एक्सीलेंट हार्ट टचिंग मैम, सुखविंदर धालीवाल जी गुड मॉर्निंग स्वागत है सुखविंदर सर आपका, रहमत पुनिया जी एक्सीलेंट वॉइस, विकास जाने बिश्नोई ही माय फेवरेट सॉन्ग मैम, जब मैं अकेला महसूस करता हूँ हमेशा ये गाना सुनता हूँ। विकास भाई क्या बात है, ब्रजमोहन जोशी जी मैम, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। पूजा वत्सी लिख रहे हैं, सुपर लिख रही है सुपर भारती अरोड़ा जी गुड मैम, पूजा वत्स जी सुपर, सरिता भाटी चौहान जी मैम, एक सवाल मेरा यहाँ से भी जुड़ता है, आपने जो बच्चों के लिए काम करने शुरू कर दिए, आपने देखा कि आपने सोशल सोशल कोच बहुत करने शुरू कर दिए, मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रेरणा आपने गीता पढ़ी फिर वो प्रेरणा आपके अंदर आ गई। मेरा सवाल ये है मैम कि अगर इस लॉकडाउन में हम देखें तो इस लॉकडाउन ने हमें बहुत नई चीजें सिखाई हैं, शायद उसने ये भी बता दिया है कि बेसिक्स में लाइफ को जीना ही सबसे बढ़िया जिंदगी है। आप लॉकडाउन को चैलेंज के तौर पर देखते हैं लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी के तौर पर? सर मैं तो पॉजिटिविटी देखती हूँ, ठीक है, जिनको मैं बिल्कुल समझती हूँ, मैं उनके लिए बिल्कुल दुख प्रकट करती हूँ कि जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना कि कृष्ण जी कहते हैं कि जब मुश्किल कष्ट संकट आए तो उसको भी अवसर बना लेना चाहिए, जब कुछ मौका ना मिले तो ये बहुत बड़ा अवसर मिला है। तो आप देखिए जिनमें टैलेंट, उनका टैलेंट सामने आ रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजों का भी इजाद होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें भी बनेंगी जो अभी तक नहीं बनी है। हमने देखा कि हम बहुत सारी चीजें विदेशों की यूज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इंडिया को भी रोजगार मिलेगा। तो वही चीज है ना कि अब संकट समय आया है, मुश्किल आई है, तो प्रॉब्लम तो ये सब आएंगे और जिनके साथ जो बीता है वो मुझे उसका दुख है, लेकिन होता है ना कि जब युद्ध, अभी एक युद्ध ही है, युद्ध में बहुत लोगों को हानि भी होती है और उस युद्ध से कुछ लोगों को फायदा भी होता है। तो फायदे से मतलब यही है कि जो ये संकट आया है हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं तो सबको कहती हूँ कि हम सबके पास भगवान ने एक दिमाग दिया है, कोशिश करो छोटी से छोटी चीज कि हम क्या कर सकते हैं। आप में जो टैलेंट है वो बहुत अच्छी बात है और आप जो करते हैं वो आप करते रहिए, लेकिन फिर भी अपने आप से एक वादा करिए, जैसे लॉकडाउन खुल जाए, लाइफ बहुत स्मूथ चलने लग जाए, तो हम एक तो ऐसा कर्म करें कि जब हम लोग हमारा जब लास्ट टाइम हो ना तो हमें लगे कि हमें एक शांति रहनी चाहिए, क्योंकि और देखिए करेंगे करेंगे, अब कर लेंगे, कल कर लेंगे, लॉकडाउन के बाद कर लेंगे, नहीं, कभी लाइफ में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि क्योंकि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जिंदा हैं, हम क्या जिंदा बात, हैं, बिल्कुल तभी क्या बात, हम जिंदा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए मैं वही कह रही हूँ, अपना भोजन और अपनी सेहत पे बहुत ध्यान रखो, हम जितनी भी बकवास करेंगे, हम बहुत कुछ अच्छा भी करेंगे तो हम जिंदा रहने पे ही करेंगे। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज मेरा आखिरी दिन है। आप देखिए जब पता चलता है ना कि आज मेरा आखिरी दिन है, और इस सोच को हम जब हमेशा साथ रखते हैं तो हम इतना फास्ट तो करते ही हैं, लेकिन उस समय हमारा किसी के प्रति कोई
कोई स्वार्थ और ईर्ष्या भी होगी ना, कुछ गलत भी होगा, तो रह गया ठीक है, बाद तो लास्ट है, ऐसे होता है ना लास्ट में, जब कोई अपनी जॉब छोड़ता है, रिटायर होता है, उसका लास्ट वाले दिन आप देखते हैं उसका चेहरा बहुत अलग ही होता है, जैसे मतलब ऐसे लगता है कि भगवान उसके अंदर ही उतर आया, तो फिर वो जैसे समझना चाहिए क्या है तुम्हारा। क्या तो क्या बस है। ट्रेनिंग लेता हूँ 10 साल तो मुझे भी हो गए कंपनी में ट्रेनिंग। मैं 10 साल से एक ही शिकायत सुन रहा था लोगों की, जी टाइम नहीं मिलता टाइम। हम पूछते थे भाई आपकी फिटनेस थोड़ी ठीक नहीं है, बोले सर टाइम ही नहीं मिलता। फिर हम पूछते थे बच्चों के साथ, बोले सर टाइम ही नहीं मिलता। यानी वो 10 साल से एक ही रोना रो रहे थे, टाइम नहीं मिलता टाइम नहीं मिलता। जब उन्हें लॉकडाउन में टाइम मिला तो पबजी खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और अभी लॉकडाउन में बात करो ना, काम नहीं मिलता काम नहीं मिलता काम नहीं मिलता। मैंने कहा रोने की है, ये वो टाइम है, ये वही टाइम है तुम 10 साल से खोज रहे थे। अगर इस 2 महीने में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में कुछ सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन सेल्स में हैं तो सेल्स की अपनी जो स्किल्स हैं ग्रो कर सकते हैं। सवाल ये दोस्तों, संदीप कुछ सर है हमारे, उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि अगर आप इन 2 महीनों में लॉकडाउन के टाइम में नए स्किल्स के साथ बाहर नहीं निकले तो दरअसल आपको कभी भी टाइम की समस्या, अनुशासन की, तुम्हारे माइंडसेट की, तुम्हारी आदत ही रोने रोने की है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी बात है मैम। अब ये तो आपके हाथ में, आप क्या करते हैं। कुलवंत सिंह खालसा साहब लिख रहे हैं, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और सफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। क्या बात कही है, हालांकि मैं इस पर कभी विस्तार से बात करूंगा सर, दुनिया इतनी बुरी नहीं है। प्रताप कौशिक जी, थिंक बिग नॉलेज ऑफ द रेस्ट लेट इट हैपन, द प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो। क्या बात है समीर साहब, नया कक्कर आपको आता हो, क्या बात है। मैं पूछ लेता हूँ मैम से, योगेश मैन मैम, यस मैम, जीवन में मन तो मोहना जी, तो असफलता वाली बात बोली उसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मुझे कुछ याद आया कि असफल वो नहीं है जिसे मंजिल नहीं मिली, असफल वो है जिसने मंजिल पाने के लिए कुछ किया ही नहीं। ना हो आप। अब देखिए वो मामला मोटिवेशन की तरफ चला जाएगा, वरना मैं एक लाइन बोला करता हूँ कि 90% लोग जो इस दुनिया में कह रहे हैं हम नाकामयाब हैं, बेसिकली वो नाकामयाब नहीं, निखलने हैं, नाकारे हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है दरअसल। सर बनने के अगर मैं लिए पूछ लूं आपसे कि आप में से, मैं बिल्कुल सही बात है, दरअसल जिन्होंने कुछ नहीं किया वो बात, बल्कि मैं तो आपकी बात पे 1 मिनट ले लेता हूं। मैं एक सवाल पूछता हूं अक्सर ट्रेनिंग में कि भैया आप में से कितने लोग बीएड में फेल हुए हैं, तो कोई भी हाथ नहीं उठाता। तो फिर मैं कहता हूँ मुबारक हो, इसका मतलब तुमने सर बीएड में पास हो। अरे बोले नहीं सर। तो मैंने कहा तुम ही तो कह रहे थे बीएड में फेल नहीं है। अरे बोले सर हमने बीएड एग्जाम ही नहीं दिया। अच्छा मैंने कहा वो ऐसा है क्या। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि दोस्तों असफलता भी कमानी पड़ती है, तुम्हें अपने आप को असफल कहलाने का भी हक तब है जब तुमने 10-20 प्रयास करे हो। मैंने कहा हम से ज्यादातर नौ लोग निखले और नाकारे हैं, जो घर पे ही बैठ के कहानी सुना देंगे मैं फेल हो गया। तो फेल तो बहुत बड़े लोग होते हैं, आम आदमी की औकात नहीं कि फेल हो जाए, फेल तो कामयाब लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, हम तो निखले हैं जो नहीं है। अनुपम कामराजी, मैं वन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज यू सिंग एनी सॉन्ग ऑफ लता जी। मैं अब एक तो गाना तो हो जाए, काफी डिमांड आ रही है, या तो लता जी का कोई गाना सुना दें या आप नेहा कक्कड़ जी का सुना दें, जो आपको पसंद हो आप सुना। मैं जरूर, मैं लता जी का जरूर गाऊंगी। जी 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 हमको मिली है यार, लग जा गली के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज घड़िया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके
नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। सुने ना आदमी, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि चाय ठंडी हो जाए। मतलब अगर चाय रखी हो तो वो ये भूल जाए, चाय भी साथ में पी जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ साथ चाय पी जा सकते, पी भी लो और सुन भी लो। पर आपको सुनते समय आदमी एक ही काम करेगा, आपको सुन लेगा, दूसरा काम तो वो कर नहीं पाएगा, मतलब वो सोच भी नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं वो थैंक यू ध्यान की सर, मुद्रा में आ जाएगा, टेंशन की मुद्रा में। थैंक मानसिंह यू सर। सर कह रहे पल में जीना चाहता है, कौशिक जी बहुत खूब, भगवान दास गौरी जी वाह, लवली वॉइस आरती अरोड़ा जी आई लव दिस सॉन्ग, पंकज उपल जी शानदार, अनुकर्मा जी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, थैंक यू मैम, ग्रेट मैम, भगवान जी कह रहे हैं सत्यनारायण साहब क्या बात है, आप समझ गए वॉइस जो तुम कह रहे हैं, वंस मोर, ये वंस मोर की जगह वंस मोर कहें या वन मोर कहें हम लोग। उससे पहले मैं एक कमेंट पढ़ देता हूँ, शायद विकास ज्ञानी बिश्नोई साहब ने पिछली आपके कमेंट पे लिखा है, सर सब लोगों को मैम बराबर टाइम मिलता है 24 आवर्स, लोगों को पास 24 घंटे होते हैं और 0% लोगों के पास को भी 24 घंटे मिलते हैं, फेलियर्स को भी। ये नेगेटिव थिंकिंग होती है कि उनको करने की हिम्मत खत्म हो जाती है, वो खुद अंदर से हार जाते हैं। क्या बात कही विकास जी आपने, क्या बात कही आपने। विनीता सुखीजा जी वाह क्या बात है मैम, रहमत पुनिया जी सो मेलोडी सॉन्ग, लवली वॉइस, भगवान दास गौरी जी सो स्वीट। अब इस वंस मोर करें मैम या इसका वन मोर करें? क्या कह रहे? डिमांड तो वंस मोर की है आरती अरोड़ा जी की, आरती अरोड़ा जी कह रही है वंस मोर, तो मैं सोच रहा हूं वंस मोर की जगह वन मोर ना कर लें, एक गाना जैसा और आप, कोई। अब जितनी डिमांड आपकी आवाज सुन के आती जा रही है, और कोई मीनिंगफुल वाला गाना जिस तरह आप सुना रही हैं, ऐसा कोई मीनिंग वाला गाना जो जिंदगी का सबक सिखाता हो। ठीक है। शीतल वर्मा जी क्या बात है मैम, यूं हसरतों के दाग घर से चले थे हम तो खुशी, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में हम आपकी खुशी में कांटों पे सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। थैंक यू। तक माहेश्वरी जी व्हाट अ वॉइस, अनु कामरा जी सुपर मैम, प्रताप कौशिक जी बहुत खूब, तमाम लोग, ज्योति इंसान जी, नितिन सुधार जी वाह, स्वाति जोशी जी, मोजू यादव जी गुड मॉर्निंग स्वागत है, सुपर क्या बात क्या बात क्या बात। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ तो तमाम लोग, सरिता भाटी चौहान जी क्या बात मैम सुपर, भूमि शेमी स्लो स्वीट सॉन्ग मैम, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी हसरत रही जो पूरी नहीं हो पाई हो? कभी आपकी भी कोई हसरतें ऐसी रही जो पूरी नहीं हो पाई हो, और अगर रही तो क्या किया, कैसे फेस करते हैं आप उन उस समय को, कैसे उससे बाहर आते हैं, क्या करते हैं आप उस समय जब कोई असफलता मिलती है, कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आती है? सर देखिए, मैंने आपको वही बताया कि जब तक मैंने गीता नहीं पढ़ी थी तो मुझे ये लगता था कि मैं हार गई। जैसे मैं भारत पाकिस्तान में टॉप 5 में थी तो मन में था कि वाह, मैंने तो सोचा था कि मुझे विनर बनना है। तो क्या होता है ना कि हम
अपनी मेहनत और अपने कर्म पे ध्यान ना देते, मतलब मैंने कितना वर्क किया, मैंने कितनी प्रैक्टिस करी, मैंने कितना काम किया, उस पर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। ये ध्यान देते हैं कि हमें विनर होना है, विनर तो आपको होना है, लेकिन आपने उसकी तैयारी की है। लेकिन जब तक आपके पास थोड़ा सा नॉलेज, मतलब आपको अपने जीवन के बारे में नहीं पता होता, तो हम उन बातों से क्या होता है, कभी हताश हो जाते हैं कि हम ऐसा, हमने हमारे साथ क्यों हुआ, हम आगे क्यों नहीं बढ़े। तो मुझे लगता है कि श्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं है, उत्तम बनो, क्योंकि कभी कोई श्रेष्ठ, हाँ, कभी कोई किसी से, इसलिए कोई ना क्या बात है, किसी क्या से सबसे आगे होगा, इसलिए उत्तम बनो। तो यदि किसी मंजिल को प्राप्त नहीं हो पाए, हम उसको बीच में हम लोग छोड़ के आ जाएं, या हो सकता है कि हम हार गए या हमें वो चीज नहीं मिली, तो हमें मन से नहीं हारना है, मन से तो हमें वही रहना है। हम उस तो फिर हमें उसके लिए या प्रयास करें, या मैं फिर बार बार वही बोलूंगी, कुछ बनने के लिए कुछ मत करो, अपनी मंजिल को ऐसे सेट मत करो। यदि अपनी मंजिल सेट करनी है या अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करना है, तो सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित करो कि हमारे जीवन में कभी भी हमसे कुछ गलत ना हो जाए और सब चीजें करते रहे, ये लक्ष्य। अब लक्ष्य हम कुछ और बनाते हैं, हमें सिंगर बनना है, हमें एक्टर बनना है, हमें लॉयर बनना है, जो भी है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बैकअप होता है ना, बैकअप इट मीन हम लोग ना हमारे कर्म बिगाड़ते रहते, क्योंकि हमें वो बनना है, हमने बिल्कुल पॉइंट बना लिया। अब हमें सिंगर बनना है तो हमें किसी को भी पछाड़ के जाना ही है, हम लोग उसके लिए कितना ही बुरा कर रहे हैं, कितना ही गलत, पता नहीं हम क्या गलत गलत चीजें एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि क्या होता है कि आप जो होते हैं ना, जितने भी, उससे भी आप बिल्कुल नीचे गिरते जाते हैं। तो इंसान बनने की कोशिश करिए, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, वो सब होगा। यदि आपके आप बिल्कुल ईमानदार नहीं है तो सब होगा। क्या बात कही आपने, क्या बात कही है। मैं बिल्कुल ऐसा ही बनने की पूरा प्रयास तो करूंगा, मैं बनूंगा। स्वाति जोशी जी कह रही हैं, क्या बात है गोपाल सिंह जी, सुलझे हुए व्यक्तित्व की धनी है मैम। मौजू यादव जी आईएएस गुड बॉल रहे हैं। विनीता सुखीजा जी, मैम वेयर आर यू फ्रॉम, विनीता सुखीजा जी पूछ रही है मैम आप कहाँ से, आप ही बता दीजिए, मैं तो क्या बताऊँ आपसे पूछ रहे हैं। तो सर मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से है मैम। सत्यनारायण जी ब्यूटीफुल, मनीष कुमार जी सही बात मैडम, काबिल मंजिल बनो, मंजिल खुद झट मार के आएगी। मनीष भाई बात तो ठीक है, लेकिन वो फिर दरअसल जब मंजिल खुद झट मार के आएगी सोच रहे हो तो फिर भी गड़बड़ वही है, मामला भी वही है। तो मुद्दा ये चल रहा था कि उतना माम अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो ना मंजिल झट मार के आएगी, तो अल्टीमेटली एक ओशो के पास कोई साहब पहुंचे और बोले जी मैं तो सब कुछ लात मार के आ गया हूँ, कोठी हवेली पैसा सब कुछ लात मार के आपकी शरण में आ गया हूँ। दोपहर में बोले सर मैंने तो सब कुछ लात मार दी, मैं तो आपकी शरण में आ, कोठी हवेली सब कुछ लात मार दी, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। शाम को खाने पे बैठे बोले सर मैंने तो लात मार दी हवेली में जायदाद में सब में, मैं तो आपकी शरण में। तो ओशो उनके पास आके बोले, बोले भाई साहब मुझे लग रहा है लात ढंग में नहीं लगी। बोले तुमने 3 बार तो मुझसे सुबह से अभी तक बोल लिया कि लात मार के आ गए, लात मार, बोले तुम लात मार के आ गए होते तो तुम ये बात ही नहीं कर रहे होते। बोले लात ढंग में लगी नहीं है। उन्होंने उनसे कहा कि एक बार वापस जाओ और जब ढंग में लात मार के आना उनकी बात। तो अल्टीमेटली हम मामला तो वही रह गया ना। तो विष्णुई जी गुड मॉर्निंग ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड सेलिब्रिटीज, क्या बात है। जीपी सिंह जी क्या बात है, नाइस जॉब बाय एसकेडी, थैंक यू जीवनी सुखे जी, ओके मैम थैंक, मैम आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल विनीता जी मैं आपको, अगर मैं मैम से पूछ लूंगा आपका नंबर मैम को मैं दे दूंगा, अगर लगेगा तो बिल्कुल आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, क्या बात है। अच्छा हम कॉन्क्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं मैम, तकरीबन 6 मिनट अभी हमारे पास है। पहले एक मैसेज ले लूं मैं आपकी तरफ से कि अगर आप ओवरऑल हमारे यूथ को, हमारे लोगों को, तमाम हिंदुस्तान जो भी आपको सुन रहे हैं इस समय या सुनेंगे बाद में, अगर कोई एक मैसेज या कोई एक सीख देना चाहे तो क्या कहना चाहिए। मैसेज वैसे तो मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें मैसेज वाली हो गई है। मेरा तो हमेशा से ये एक ही मैसेज है, हो सकता है कि मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, बट फिर भी मैं एक बार नहीं 1000 बार ये रिपीट करूँ। अच्छी बात है तो रिपीट करिए आप प्लीज। नियति नियतम, नियति ये मेरा नियतम, कुछ भी करिए आप साफ रखिए आपकी नियति वही बन जाए। वैसे ये जो आपने कही है, अगर इसी एक बात को, मैं तो एक बात समझता हूँ मैम, हम 300 पेज की किताब पढ़ के पता है लास्ट में क्या बोलते हैं, यार तो एक बात समझ में आई, आदमी को ऐसा करना चाहिए। 3 घंटे की मूवी देखते आदमी क्या बोलता है, यार मुझे तो एक बात समझ में आई। मैं कहता हूँ अगर इस 1 घंटे के प्रोग्राम में किसी को एक बात ही समझ में आ गई ना, हमारा अफसोस इस बात का है कि हम समझने के लिए सुनते ही नहीं, हम सुनते हैं दूसरों को सुनाने के लिए। तो मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, तमाम लोगों से, जो भी चीज सीखा करें
कमेंट में ये जरूर लिखा कर मैं भी ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा, बजाय ऐसे कि ऐसा होना चाहिए। ये तो मुझे भी पता है ऐसा होना चाहिए, आपको भी पता क्या होना चाहिए। दिनेश जुरेजा सर कह रहे हैं थैंक यू मैम, स्वागत है बहुत बहुत। विनीता सुखेजा जी म्यूजिक के बारे में कुछ जानना है मुझे आपसे, बिल्कुल आप जान सकती हैं। गोपाल सिंह जी ओशो साहब, खैर हम कॉन्क्लूजन कर रहे हैं मैम, गाने से एक कॉन्क्लूजन। विनोद यादव बोलर जी जिन चीजों में उलझे होते हैं गाय बगाय जुबान पर आ ही जाती है, उसके वाच प्रकरण। क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। खैर मैं हम कॉन्क्लूड जो करेंगे वो गाने के साथ करेंगे, आपका कोई ऐसा पसंदीदा गाना। अच्छा मैम उससे पहले एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं, आपने तो म्यूजिक में अपना करियर भी बनाया, लॉयर आप बनना चाहते हो, आप श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी जो इस तरह की एक मुहिम उन्होंने शुरू की है, और एक हनुमानगढ़ में यूनिवर्सिटी श्री कुशालदास विश्वविद्यालय जो शुरू हुआ है, आज मैं देखता हूं मैं रोज यहां पे अभी स्क्रीन पे भी चल रहे होते हैं म्यूजिक में भी कोर्सेज हैं, सिंगिंग में भी, डांसिंग में भी, थिएटर में भी, आप एजुकेशन सिस्टम में आए हुए इस बदलाव को कैसे देखते हैं कि पहले कहा जाता था या तो म्यूजिक कर लो या पढ़ाई कर लो, यानी ये दो अलग अलग चीजें थी, या तो खेल लो स्पोर्ट्स कर लो या पढ़ लो, लेकिन आजकल जो नई सोच के युवा और नई सोच का जो विजन आ रहा है, विश्वविद्यालय जैसे लोग आ रहे हैं, आदरणीय दिनेश जुनेजा जी, बाबूलाल सर, बनू यादव सर जैसे सोच वाले लोग जो कहते हैं क्यों ना हम स्पोर्ट्स में करियर बनवाएं बच्चों का, क्यों ना हम सिंगिंग में करियर की बात करें, कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को? वो हमारे करियर का हिस्सा, पढ़ाई का हिस्सा होता नहीं? नहीं सर देखिए सब चीजें, मैं वही कह रही हूँ ना कि किसी एक ही चीज पे पागल होने की कोई जरूरत नहीं है, और सब चीजें मैनेज के साथ करी। यदि मैं मेरा बचपन आपको बताऊं तो बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे पूरा कंप्लीट बिजी कर रखा था। मेरा मेरा जो स्कूल का टाइम था वो 10 से 4 था, 4 से 6:30 मैं डांस क्लास जाती थी, फिर उसके बाद 7 बजे घर पे आके कुछ खाया पिया, और फिर मेरे म्यूजिक वाले सर आ जाते थे, फिर वो 9:30 बजे जाते थे, फिर हम लोग 10 से 12 अपना होमवर्क करते थे रात में, फिर 12 बजे सोते थे, सुबह 6:30 बजे उठते थे अपना नाना धोना, और 7 बजे फिर हमारी ट्यूशन टीचर आ जाती थी हमें पढ़ाने के लिए, फिर हम 9 बजे फ्री होते थे, फिर खाना वाना खा के हम लोग स्कूल जाते थे। तो देखिए टाइम का यूज करना ही आना चाहिए, और हम पढ़ाई और वो बहुत म्यूजिक साथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत जो इंजीनियर थे और म्यूजिशियन है, जो इंजीनियर थे और एक्टर है, तो वो दोनों चीजें हो सकती है। पढ़ाई तो देखिए हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारे पास अपनी लाइफ सेव करने के लिए, यदि हम एक एक सिंपल जीवन तो हमें हमारे अंदर रहना ही चाहिए, तो उसके लिए देखिए आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से हो गया है, तो हमें उसके साथ तो चलना ही होगा। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमें हमारी पढ़ाई को तो कंप्लीट करना है। और बात रही आपके म्यूजिक की, मैं फिर आपको वही बोलूंगी कि हर एक चीज को करियर के रूप में लेना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन संगीत को पहले समझेंगे ना कि संगीत है क्यों, भगवान ने इस दुनिया में संगीत को क्यों भेजा है। लेकिन यदि आप करियर भी बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, वो कंटिन्यू करते रहे। मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक को किया है, मैंने ऐसा नहीं कि म्यूजिक के लिए पढ़ाई छोड़ी या पढ़ाई के लिए मैंने म्यूजिक छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई भी करते रहें और म्यूजिक भी करते रहें, क्योंकि म्यूजिक तो सुबह सुबह रियाज का काम है, आप सुबह अपना जल्दी उठें, इट मीन्स यही है कि यदि एक लाइन में आप मैसेज चाहेंगे तो यही कि संतुलित जीवन, यदि आपने वो मैनेज कर लिया, अपने अंदर से आलस खत्म कर लिया, तो आप हर चीज कर पाएंगे। और म्यूजिक आपको पढ़ाई में ज्यादा हेल्प करेगा, आप संगीत को सुनेंगे सीखेंगे तो आपको पढ़ाई में आपका अटेंशन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो, संगीत से कभी ध्यान डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होता, ये हमारी गलत फहमी है। ध्यान तो और चीजों के, हम लोग संतुलित जीवन कर लें कि हमें ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये इतने बजे करना है, तो सब बेस्ट, अपने अंदर से आलस को खत्म करिए। मैं फिर वही बोलूंगी आलस तभी खत्म होगा जब आपका भोजन सही है, तो कुल मिला के बाद बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। विनोद यादव जी कह रहे हैं जिन चीजों में जो होते हैं वो जुबान पर सही बात है, खाना खाने के लिए भी हाथ बढ़ाना पड़ता है, इसलिए कोशिश पूरी करनी चाहिए, किस्मत के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। क्या बात है गोपाल सिंह जी, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही होने में विश्वास करता हूँ। सुशील शर्मा जी नाइस मैसेज मैम, लखविंदर शर्मा लक्की जी गुड मॉर्निंग मैम, मोनिका श्रीवास्तव जी, पुनीत अग्रवाल जी दिस सेशन वाज वंडरफुल एंड नॉलेजेबल फॉर अस, पुनीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। यकीन जानिए उम्मीद की गई थी कि हमें सिंगर से मिल रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसे व्यक्तित्व से मिले जो संगीत के माध्यम से, जो अपने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, सोच के माध्यम से, जिन्होंने हमें एक नई दिशा दी। जाते समय कौन सा गाना गाते हुए आप
क्या हम वो गाना गाते हुए अलविदा करेंगे, कभी अलविदा मत कहना। ऐसे ऐसे मुझे याद नहीं है। दो आपको याद हो तो आप गा सकते हैं मैम। एक गाने के साथ हम आप इसको गाना प्रोग्राम को आज साइन ऑफ करेंगे। जो आपको पसंदीदा, जो आपको पसंद हो। ओके। अकेले हैं चले आओ यहाँ हो, अकेले हैं चले आओ यहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले चले आओ जहाँ हो। थैंक यू। तमाम मैनेजमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि इतना बेहतरीन सेशन रहा, इतनी बेहतरीन लर्निंग रही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। यकीन जानिए उम्मीद की गई थी कि हम केवल एक ऐसा प्रोग्राम देखने वाले हैं या गाने की बात ज्यादा होंगी, लेकिन यकीन जानिए ये सेशन मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य से कम नहीं रहा। एक वंडरफुल सेशन कारण बनेगा, और मैं एज ए ट्रेनर, एज ए स्पीकर, एज ए इंडिविजुअल कोशिश करूंगा कि मैम के द्वारा मेरी कही गई बातों को जीवन में उतारूं। कैसे लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, सुनने के लिए, ये अगर आपकी होती तो मैं तमाम सुनने वालों को गाना जरूर सुनाता कभी। ऐसा दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे क्या काम आ रहा है दोस्तों, तो साथ में इस पद को गद में बोल रही काम चलाऊंगा, क्योंकि भगवान ने आवाज गद वाली बनाई है, पद वाली नहीं बनाई है। और ये दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, तमाम आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का